सुधा साहब का तो ध्यान है ही नहीं इस काम की तरफ। डॉक्टर पवन सैनी के निवास स्थान पर हम हैं, सामने ही उनकी कोठी है और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इनसे बहुत लोग मरते हैं। खतरा आपको बरकरार, गाड़ियों कैसे बच के जिगजैग करके निकलना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम रात को निकली, कुरुक्षेत्र में निकली। क्यों निकली? थानेसर में इसलिए निकली कि आपको दिखा दे कि कितनी सुरक्षित आपकी सड़कें हैं। कहने को हुड्डा सेक्टर बनाता है, किस लिए बनाता है? कि आपको सुविधाएं मिली, आपको फायदा मिले वहां पर। लेकिन जब आप हुड्डा के सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र में आप पहुंचते हैं तो आपको ये प्यारी प्यारी सी गौवंश गाँव देखिए, ये गायें मिलेगी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, सेक्टर 3 की ग्रीन बेल्ट पर मैं हूं और यहां पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 तीन गोवंश यहां पर है। और गाड़ियों का देखिएगा, पीछे आपको दिखा दूं मैं, गाड़ियां यहां से कैसे गुजरती है। और जो काले गोवंश होते हैं वो अंधेरे में दिखाई नहीं देते, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है, गाड़ियों को बच के यहां से निकलना पड़ता है। यही दिखाने के लिए हम निकले के आखिर हरियाणा गो सेवा आयोग क्या कर रहा है। चलिए गो सेवा आयोग को छोड़िए, वो चंडीगढ़ में बैठा है, पंचकुले उनके ऑफिस में बैठा है, वो यहाँ तक कैसे आएंगे, एक एक गाय को वो कैसे देखेंगे। लेकिन थानेसर का जो प्रशासन है वो आखिर कर क्या रहा है, गो सेवक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं, आप देखिएगा। और कमाल की, ताज्जुब की बात है दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं डॉक्टर पवन सैनी का निवास स्थान यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है, मैं वो भी दिखाऊंगा। उनके ही रोड पर, उनकी ही सड़क पर ये हाल है, तो सोचिए कि अच्छे हालात कहाँ आपको देखने को मिलेगी। और अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, क्योंकि कंचन टीवी आपको आगे का भी हाल दिखाने वाला है, सेक्टर 5 का 7 का भी आपको हाल दिखाने वाला है, वहाँ कितने गोवंश है, तब आपको लगेगा पता कि थानेसर की सड़कें रात को कितनी खतरनाक है, कहीं भी गोवंश हो सकता है। आप बाइक लेकर निकले हैं, आप गाड़ी लेकर निकले हैं, तो खतरा आपको बरकरार, गाड़ियों कैसे बच के जिगजैग करके निकलना पड़ेगा। यही दिखाने का हमारा मकसद था, ताकि प्रशासन जागे, और प्रशासन को जगाने के लिए ही हम जागे हैं, रात को अपनी नींद खराब करके यहाँ पर आए हैं। तो निवेदन करूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे, आप देखिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए वही हालात है। लेकिन दिक्कत सबको, ब्रेक लगाई है, हॉर्न बजाया तब वो निकल पाए हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके कानों तक पहुंचे, प्रशासन SDM DC तक SP तक ये पहुंचे, गौ सेवकों तक पहुंचे, जो कहते हैं कि वो गौ सेवा करते हैं लेकिन लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपसे निवेदन करेंगे, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, अब आपको हम आगे लेकर चलने वाले हैं। डॉक्टर पवन सैनी के निवास स्थान पर हम हैं, सामने ही उनकी कोठी है और आप देख सकते हैं डॉक्टर पवन सैनी महामंत्री का ये बोर्ड लगा हुआ है। और मैं दिखाता हूँ, यहीं पर वो गोवंश है। अगर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सत्ता में हैं, उन्हीं के घर के आसपास की ऐसी हालात है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका और हमारा क्या हाल होगा। लेकिन अभी बने रहिएगा, आगे का हाल भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। ये देखिए दोस्तों, एक और गौवंश है और हम बिल्कुल OP जिंदल जो चौक है उसके बिल्कुल करीब हैं, और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का हाल। और हम इसीलिए गाड़ी लेकर निकले हैं, ताकि आपको जो स्थिति है यहाँ की वो दिखा सके। सेक्टर्स का ये हाल है दोस्तों, आम कॉलोनी मोहल्लों की बात तो छोड़ दीजिए, सेक्टर में अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना संजीदा है आपकी सुरक्षा को लेकर, खासकर गोवंशों। 500 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने पास किया है, लेकिन कितना यूटिलाइज हो पाएगा ये कह नहीं सकते, फिलहाल तो हालात तो बदतर ही है। सेक्टर 5 में हम पहुंचे, एक सज्जन है हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सेक्टर 5 में आप है, गोवंशों की समस्या पूरे थानेसर में है, जाहिर से आपके सेक्टर में भी रही होगी। बिल्कुल है जी, हमारे सेक्टर में भी गायें बछड़े आवारा पशु बहुत नुकसान कर रहे हैं, और दाएं बाएं गलियों में सड़कों पे बैठे रहते हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, बाइक है, गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट होते भी हैं। अभी ये 4-5 अभी यहाँ बैठे थे इधर बगाया, और इससे बड़ी परेशानी है। तो क्या आपको क्या लगता है कि थानेसर प्रशासन का बिल्कुल भी सुर ध्यान नहीं है जिसकी तरफ, ये हमारे सुधा साहब का तो ध्यान है ही नहीं इस काम की तरफ, किसी भी काम की तरफ, प्रशासन का नहीं है, हुड्डा डिपार्टमेंट का नहीं है, जो हुड्डा में ऑफिस है ये,
अपने बैठे हैं यहाँ पे, उनका ध्यान है कि वो सिर्फ अपने जो चार्जेस हैं वो लेते रहे। चार्जेस वो टाइम पे लेते हैं जी, और हर चीज़ का डेवलपमेंट चार्ज, पानी का, सीवरेज का, सड़कों की मेंटेनेंस का। अगर गोवंश की वजह से कोई एक्सीडेंट होता, क्यों ना इन अधिकारी कर्मचारियों पर एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई। अब किसी के भी बच्चे खेल रहे रास्ते में सड़क पे, गाय बछड़े आवारा टक्कर मार दें, चोट मार दें। अक्सर देखा जाता है गलियों में बच्चे खेलते हैं तो आवारा पशु आते हैं, गोवंश आते हैं और उनको वो चोट पहुंचा के कई बार तो जान भी गई है। बिल्कुल गई है भाई साहब। यहाँ पे ये मेन सड़क है, ये देखो यहाँ पे 4 से 5 पशु बीच में बैठे रहते हैं और जो ट्रैफिक आने जाने वाली। मैं बताऊं आपको, ओपी जिंदल चौक पे और मैं आगे भी गया हूँ, वहाँ भी बैठे थे, अभी हमने देखा है, बड़ी बुरी हालत है। क्या चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे जी, सेक्टर वासी सारे जो यहाँ पे हैं परेशान हैं, इनसे छुटकारा मिले और प्रशासन ध्यान दे इसकी तरफ। जो आवारा पशु हैं इनका कोई ना कोई जुगाड़ करे, कहीं ना कहीं इनको कोई गौशाला में छोड़ दे या फिर कोई और इंतजाम करे इस चीज़ का। ठीक है जी, धन्यवाद। काफ़ी संख्या में है जी, काफ़ी संख्या में। हाँ जी, क्या इससे किस तरह का खतरा आप मानते हैं? खतरा जी, रात को वाहन चलाते हुए कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं जी, चोट लग जाती है, कई बार तो डेथ भी हो जाती है जी। तो क्या लगता है प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, उन्हें ध्यान देना चाहिए? हाँ जी, ध्यान देना चाहिए जी, ध्यान देना चाहिए। हुड्डा में तो कहा जाता है कि हर तरह की सुविधाएं दी जाती है अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हुड्डा जो अथॉरिटी है वो सिर्फ चार्जेस लेने के लिए रह गया है, सुविधाओं के नाम पर वो कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे खींच रहा है। हाँ जी। अब ओपी जिंदल चौक पर मैं हूँ और आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना खूबसूरत ये चौक लगता है रात के वक्त। खूबसूरती अलग है क्योंकि रोशनी, लाइटों की रोशनी भी हो जाती है और वैसे भी खूबसूरत तो है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना आलिशान ये चौक बनाया गया है, बैठने की जगह भी है, आप पीछे देंगे तो बेंच भी है। लेकिन हम ना तो आपको चौक दिखाने वाले हैं, ना आपको लाइटिंग दिखाने आए हैं, हम दिखाने आए हैं हमारे पीछे ये गोवंश। देखिएगा आप, सड़क के बीचों बीच ये गोवंश है। गाड़ियों को, ट्रैफिक को बचकर खुद निकलना पड़ता है। अगर गोवंश देखिएगा आप, सड़क के बीचों बीच ये गोवंश है। गाड़ियों को, ट्रैफिक को बचकर खुद निकलना पड़ता है। अगर गलती से कहीं किसी भी गाड़ी से, किसी भी बाइक से गोवंश टकरा जाता है तो क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही दिखाने के लिए हम निकले थे। इसकी ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। हम चाहते थे ध्यान हो, प्रशासन देखे। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, उनसे जानेंगे। साहब, गाड़ी लेकर जब आप निकलते हैं सड़क पर तो क्या लगता है, गोवंश से कोई खतरा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इनसे बहुत लोग मरते हैं। तो क्या चाहेंगे प्रशासन इस ओर ध्यान दे? क्या प्रशासन सोया हुआ है? अभी सोया हुआ है प्रशासन, क्या कर रहे हैं? इसको गौ माता बना रखा है, यहाँ के जो VIP माता की ही बेकदरी है। हाँ, बेकदरी है ये, और क्या है, सड़क पे बैठी है ये। तो चाहेंगे प्रशासन, थाने सर, प्रशासन ध्यान दे, जल्द से जल्द हटाए, होना चाहिए। देखिएगा एक भाई साहब हैं, अपने बच्चों को लेकर निकले हैं, जो रात को निकल रहे हैं, किसी भी काम से निकल रहे हैं, किसी भी दुर्घटना का अगर शिकार होते हैं तो विडंबना है। ये आपके और हमारे सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है अगर गोवंशों की वजह से कोई दुर्घटना होती है। गाड़ियां यहां से हॉर्न दे के बिना नहीं निकल सकती, स्पीड उनको डाउन करनी पड़ती है, तब जाकर वो यहां से पास होते हैं। इसीलिए हम निकले थे और निवेदन करेंगे, वीडियो को शेयर करें। चलो, अभी आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप पर हम हैं, सेक्टर 4 और 5 के कट पर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं गोवंश। गोवंश लगातार आप पूरे शहर में देख सकते हैं। दोस्तों हम क्यों निकले? हम रात के वक्त क्यों निकले? हम इसीलिए निकले कि आपको दिखा सके कि हालात कैसे हैं, पूरे शहर के हालात कितने बद से बदतर हैं, गोवंश कहां कहां पर है वो दिखाने के लिए हम आपको निकले थे। और जाहिर तौर पर आप भी समझ ही गए होंगे कि हालात कितने बुरे हैं और यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, चुने हुए नुमाइंदों को, कर्मचारियों को, गौ सेवकों को, आम जनता को, हमें और आपको, हम सबको मिलकर इस समस्या से निजात पानी होगी। अगर सरकार के भरोसे छोड़ेंगे तो शायद जानी नुकसान हमें ही झेलना पड़े, आपको और हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो
अब हम सेक्टर 4 के पास में हैं, सेक्टर 4 में और 5 में हैं, और तेजवीर सिंह दुगारी प्रधान हैं जो सेक्टर 5 अर्बन स्टेट वेलफेयर सोसाइटी। किस तरह का वेलफेयर प्रधान जी कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता? क्या वो अपने प्रभाव से जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर लगाम उन पर अंकुश नहीं लगा सकते? उन पर क्या वो खिंचाई नहीं कर सकते कि वो गोवंशों की तरफ ध्यान दे? लेकिन शायद नहीं ध्यान दिया जा रहा किसी का भी, और शायद किसी भी आम व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और गोवंश है, गोवंश किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो ना तो गरीब अमीर देखेंगे, ना वो बड़ा छोटा देखेंगे, ना वो जाति धर्म देखकर नुकसान करेंगे, लेकिन नुकसान जानी हो जाएगा किसी ना किसी का। दोस्तों, प्रशासन को, कुरुक्षेत्र थानेसर प्रशासन को लोगों की जान की अहमियत पहचाननी पड़ेगी, तभी वो काम कर पाएगा। शायद उनको फर्क नहीं पड़ता, जानी नुकसान हो उनसे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए गोवंशों पर कोई भी अंकुश लगाने में प्रशासन नाकामयाब रहा है। गाड़ियों को बिल्कुल आराम से गुजरना पड़ता है, बाइक वालों का आराम से गुजरना पड़ता है, काफ़ी खतरनाक स्थिति है। और ये स्थिति पूरे थानेसर में है। ये तो हमने आपको सिर्फ सेक्टर 3 और 5 के आसपास का हाल दिखाया, ग्रीन बेल्ट का हाल दिखाया। अगर आप रात के वक्त, दिन के वक्त थानेसर की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको ये नज़ारा बरबस ही देखने को मिलेगा। हमारा मकसद नेगेटिव चीज़ें आपके सामने लाना नहीं, हमारा मकसद सच्चाई आपके सामने लाना है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रशासन आपके लिए कितना संजीदा है, कितना वो अहमियत देता है, लोगों की जान की कीमत समझता है। सड़कें बनाना, गलियां बनाना, सौंदर्यीकरण करना, पार्कों को बना देना ही प्रशासन का काम नहीं, ये गौवंश को दूर रखना भी उनका काम है, प्रशासन का ही काम है, जिसको करने में वो नकारा साबित हो रहा है। निवेदन करेंगे, अगर सरकार के नुमाइंदे, अगर प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि इस ओर संज्ञान लीजिए और गौवंश को सड़कों से दूर कीजिए, वरना कल को अगर कोई भी जान जाती है तो सीधी जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है। तब क्यों ना उन पर केस दर्ज हो, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर केस दर्ज हो, होना चाहिए। अगर वो अपने काम में लापरवाही करते हैं और किसी की जान जाती है तो उन पर केस होना चाहिए। अभी बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि सुधार हो, आपके थानेसर की सड़कों पे सुधार हो, और पूरे हरियाणा में ऐसे हालात हैं, अगर आप चाहते हैं कि सुधार हो, गौ सेवा आयोग इस पर कड़ा संज्ञान ले, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और हमें कमेंट करके बताना होगा। और इस वीडियो को शेयरिंग रुकने मत दीजिएगा दोस्तों, ताकि सरकार के कानों तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।